जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एबीसी वर्कआउट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फुल एबीसी वर्कआउट नहीं है, क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोग नए हैं, तो हम नॉर्मल ही आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है, अगर आप एक बिगनर्स हैं और अभी अभी आपने रनिंग स्टार्ट किया है, तो किस तरीके से एबीसी वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप रनिंग करते हैं और रनिंग में अगर आपका स्टेप नहीं खुलता है आप, या फिर आप स्पीड नहीं दौड़ पाते हैं, तो उसके लिए आपको एबीसी वर्कआउट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों कि बहुत लोग रनिंग तो करते हैं बट उनका हाथ का जो मूवमेंट होता है वो हाथ का मूवमेंट अच्छा से नहीं हो पाता है। लेकिन इस वर्कआउट को करने से, यानी ये एबीसी वर्कआउट करने से आपका जो हाथ का मूवमेंट भी ठीक होता है, आपको पैरों का स्ट्रेचिंग भी अच्छा होता है, और आपके रनिंग स्टेमिना और रनिंग स्पीड में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका सपना फ़ौज में जाने का है, अगर आपका सपना डिफेंस ज्वाइन करने का है, और साथ ही साथ हमारे अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो जल्द से जल्द हमारे अकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हो। देख सकते हैं किस तरह से आपको सारा वर्कआउट करना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से करने से दोस्तों आपका पैर का स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा खुलता है, और आपकी रनिंग स्पीड में और रनिंग स्टेप में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपके पैरों को स्ट्रेच करना है और आगे करके धीरे धीरे बढ़ना है। इससे क्या होता है, आपको पैरों के अंदर जो है खिंचाव आता है, और जिससे कि दोस्तों आपका स्ट्रेचिंग है, पैरों का प्रॉपर स्ट्रेचिंग होता है, और वही स्ट्रेचिंग जो है आपकी रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर आप आर्मी 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है एबीसी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एबीसी वर्कआउट नहीं करते हो और आप सोचते हो कि आपकी रनिंग स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर ये वर्कआउट करें।
मार रहे खड़ा है। Down. Up. Down.